मेरे म्यूचुअल फंड में जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और मैं रोज़ अपने म्यूचुअल फंड के जो लॉसेस या प्रॉफिट होगा मैं आपको एक डिटेल एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा लॉगिन हो चुका हूँ मैं अपने म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है वो 19,893 रुपये का चल रहा है प्रॉफिट, और जो मेरा करंट वैल्यू है जो 2,11,384 रुपये का वैल्यू है। अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, जो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हमारा 1,91,490 रुपये का है, और जो टोटल रिटर्न्स है जो अभी तक का वो है मेरा 10.1039% है, और जो टोटल है वो 19,893 रुपये का हमारा जो अभी तक रिटर्न मिल रहा है। और जो हमारा एक दिन का जो रिटर्न है जो पिछले फ्राइडे लास्ट फ्राइडे का जो है वो 2,303 रुपये का हमारा रिटर्न, लगभग 2,324 रुपये का रिटर्न है जो कि 1.10% के बराबर होता है। और जो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 32.28% यानी कि 32% का रिटर्न है, ठीक है। और मैं अगर पोर्टफोलियो वाइज अगर हम स्कीम वाइज चले तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में है, जो कि इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 92,995 रुपीज़ का है, और उसका जो अभी करंट वैल्यू वो 1,03,789 रुपये का है, ठीक है। और जो हमारा पिछले फ्राइडे को जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,068 रुपये का हुआ था, और टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 10,784 रुपये का प्रॉफिट है। दूसरा हमारा स्कीम है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का है, ये भी इंडेक्स फंड है जिसमें हमारा जो पिछले फ्राइडे को जो हुआ था वो 94,96 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और जो हमारा अभी टोटल जो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1.45% का हो रहा है, जो कि टोटल प्रॉफिट है हमारा 145 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये अभी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो ये हमारा 5,000 के SIP चलता है, ये मैंने लास्ट मंथ लिया था। और ये हमारा UTI निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये भी इंडेक्स फंड है जिसमें मेरा जो पिछले फ्राइडे को जो हुआ था वो एक दिन का रिटर्न है 1,002 रुपये का रिटर्न है, और जो हमारा इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 72,000 का है, 72,496 रुपये का है, जो अभी करंट वैल्यू है उसकी जो 80,620 रुपये का है, यानी टोटल जो हमारा रिटर्न जो मिल रहा है वो 8,124 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, और 11.21% का रिटर्न है हमारा, ठीक है। और एक तीसरा हमारा जो है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज का फंड ग्रोथ का है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है लगभग 16,000 है, और इसमें इसकी जो करंट वैल्यू है 16,840 रुपये का है, और इसमें जो हमारा टोटल प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 848 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 5% का रिटर्न मिल रहा है एनुअली, ठीक है। और ये अभी मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, इसका ज़्यादा दिन हुआ नहीं है तो जिसकी वजह से इसमें कुछ खास अभी तक मिला नहीं है रिटर्न हमें, ठीक है। चलिए मैं दूसरा रिटर्न में देखता हूँ, तो ये निप्पॉन इंडिया है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ है, तो इसमें हमने ज़्यादा रिटर्न नहीं किया, हमने देखा जाए तो इसमें हम 3 मार्च जुलाई यानी इसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं करता था, मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट नहीं था मैं देखो यहाँ पे मैंने 3 जनवरी को स्टार्ट किया था, फिर 6 मार्च को थोड़ा बहुत पैसे डाला, फिर 11 जुलाई को डाला, फिर 5 अगस्त को डाला, तो इसमें मेरा रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इसको मैं अब रेगुलर कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आप लोगों को कुछ अपना जो डिटेल्स है वो मैं शेयर करूँगा कि हमारा जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट है या लॉस में है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें तो हमारा 19,893 रुपये का प्रॉफिट है, और ये वन डे का जो रिटर्न है वो 2,303 रुपये का वन डे का रिटर्न है, और हमारा जो इस तरह से आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा कुछ ये 24,000 कुछ रुपये का रिटर्न दिया था कुछ दिन पहले, बट अभी मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा उठक पटक हो रहा है जिसकी वजह से अभी खास मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट देखते हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है और मैं इसको कोशिश करूँगा 10 ईयर्स तक, अप टू 10 ईयर्स इसको मैं रखूँ अपने पास। और मेरा जो गोल है वो 5 करोड़ का गोल है, और 5 करोड़ का गोल जो है वो हमारा 15 साल के अंदर में है, 5 करोड़ को गोल को अचीव करना, अगर 15 साल के अंदर मेरा 5 करोड़ का गोल अचीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो
तो मेरा जो मेन गोल है वो 5 करोड़ का है 15 साल के अंदर। अगर उससे ज़्यादा होता है तो अच्छी बात है, बट देखते हैं कि कहाँ तक हम अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आज का जो हमारा अभी मार्केट जो क्लोज होगा, आज का जो रिटर्न्स और जो भी होंगे प्रॉफिट और लॉस, मैं आपको कल शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।